viewers, today I am going to tell you a Google Ads. What are the Google Ads and how do they work? Every second there are 2.3 million searches performed on Google, and the majority of search result page includes Google Ads paid for by businesses. Google Ads can be extremely effective way of driving relevant qualified traffic to your website exactly when the people are searching for the types of product or services your business offer. जब किसी particular type के product या services को कोई search करता है तो Google Ad जब हम अपने product पे लगाए रहते हैं तो वो उसको search करने में help करता है और आदमी उस चीज़ों हमारे product को जल्दी search कर पाता है, तो इसी के लिए हम लोग Google Ads लगाते हैं। अब गूगल है क्या? What is a Google Ads? Google offers paid advertisement which appears in search result on google.com. With the use of Google Ads or advertisement that appear on other website through the display network and Google AdSense program. Google Ads जो होता है वो हमारा display network और AdSense के through हम लोग इसको apply करते हैं और ये एक सर्विस है जो google.com प्रोवाइड करता है एडवर्टीजमेंट के लिए। व्हाट इज अ गूगल एड्स इन शॉर्ट? तो छोटे में हम इसको क्या कह सकते हैं? गूगल एड इज ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गूगल। इट इज आल्सो द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग नेटवर्क इन द वर्ल्ड and millions of business advertiser online using Google advertising to reach new customers and grow their business. Basically, Google Ad we are using to grow our business or services to the customer these facility we are getting through the Google. What is a Google AdSense? AdSense is an advertising platform that allows website operators to monetize their sites by running contextually relevant Google ads, generating revenue based on click on impression. जो भी ads हम लगाते हैं उस पर जितना impression आता है उसके basis पे हमको revenue मिलता है जो हमारा AdSense काम करता है advertising के लिए। वेब और यही हमारी website या वेबसाइट को मोनेटाइज कराता है और जितने क्लिक्स हमारे ऐड के होते हैं जो उसके थ्रू हमारा रेवेन्यू जेनरेट होता है। वेब मास्टर कैन पोजीशन द एडसेंस एड्स वेयर एवर दे वांट ऑन द वेबसाइट बाय मॉडिफाइंग द एचटीएमएल टैग। अब वेबसाइट जो बनाते हैं वेब मास्टर वो एडसेंस को अपने पर्टिकुलर पेज पर एडवर्टाइज कर सकते हैं जिसके थ्रू उस पर जितने क्लिक्स आएंगे वो आप उसको रेवेन्यू जनरेट कर पाइएगा जिसके लिए आपको HTML टैग को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिस जगह एडसेंस लगाना है वहाँ पे लगाना पड़ेगा। बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है? एक पेज होता है जिसपे हम सर्च करके अपनी क्यूरी को रिप्रेजेंट करते हैं। सर्च इंजन रिजल्ट पेज आर वेब पेज सर्व टू यूजर व्हेन दे सर्च फॉर समथिंग ऑनलाइन यूजिंग अ सर्च इंजन सच एज गूगल। सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है सर्च गूगल के थ्रू अपनी क्यूरी को सर्च करता है। द यूजर एंटर देयर सर्च क्यूरी ऑफन यूजिंग स्पेसिफिक टर्म एंड फ्रेजेज नोन एज कीवर्ड। अब ये क्यूरी क्या होती है? एक पर्टिकुलर की वर्ड होता है जिसको हम लोग सर्च करते हैं अपॉन विच द सर्च इंजन प्रेजेंट देम विद अ सर्च इंजन रिजल्ट पेज। और जो की वर्ड हम डालते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी इंफॉर्मेशन हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले हो जाती है। एवरी सर्च इंजन रिजल्ट पेज इज यूनिक। अब हर एक पेज जो होता है यूनिक होता है। क्यों यूनिक होता है? क्योंकि हर की वेबसाइट अलग होती है और वो अपने चीज़ों को अलग ढंग से रिप्रेजेंट करता है। इवन फॉर सर्च क्यूरीज परफॉर्म द सेम सर्च इंजन यूजिंग द सेम कीवर्ड्स और सर्च क्यूरी। एक ही सर्च इंजन पे एक ही कीवर्ड और क्यूरी को सर्च करने पे भी ढेर सारे यूनिक
इंफॉर्मेशन आ जाती है. दिस इज बिकॉज वर्चुअली ऑल सर्च इंजन कस्टमाइज द एक्सपीरियंस फॉर द यूजर बाय प्रेजेंटिंग रिजल्ट बेस्ड ऑन द वाइड रेंज ऑफ फैक्टर. अब ये क्यूरी जो आती है, रिजल्ट जो आता है, वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है. बियॉन्ड देयर सर्च टर्म सच एज यूजर फिजिकल लोकेशन, ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड सोशल सेटिंग. आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री पे, आपके लोकेशन पे और आपकी सोशल सेटिंग पर डिपेंड करता है कि ये कीवर्ड कौन कौन से आएंगे. देयर आर टू सेक्शन पेड गूगल एड्स. अब गूगल एड्स के दो सेक्शन होते हैं, ऑर्गेनिक लिंक और रिजल्ट पेज. ऑर्गेनिक लिंक मीन्स जहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट दिखता है, दैट इज नेचुरल. और दूसरा रिजल्ट पेज है, जो ऑर्गेनिक लिंक जो होता है वो रेड लाइन से दिखता है और रिजल्ट पेज जो होता है वो ग्रीन लाइन से दिखता है. द स्पॉन्सर रिजल्ट ऑन एड्स इन द रेड बॉक्स आर डिनोटेड विद अ ग्रीन एड लेबल. एड का लेबल जो होता है वो ग्रीन में दिखता है और रेड जो होता है वो आपका नेचुरल एड्स होता है जो दिखता है. अब ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को इन्होंने ये भी बताया कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग और इंटरनेट एडवर्टाइजिंग और वेब एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग विच यूजेस द इंटरनेट टू डिलीवर प्रमोशन मार्केटिंग मैसेज टू कंज्यूमर. अब वो कहते हैं ऐड एक तरह की मार्केटिंग ही है जिससे लोग अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज करते हैं जिससे उनका चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बिके. इसके अलावा इन्होंने बहुत से और भी वर्ड्स बताए, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड सेल्स, जिसके थ्रू हम अपने इसको भी लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं. तो सोशल मीडिया पर क्योंकि काम लोग करते हैं जिससे कि उनका एडवर्टीजमेंट हो, मार्केटिंग करते हैं ये थ्रू एडवर्टीजमेंट, और डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और सेल्स करते हैं. अब डिजिटल मार्केटिंग का आजकल बहुत अधिक पूछ हो गई है क्योंकि लॉकडाउन लगने से ज़्यादा लोग डिजिटल वर्क कर रहे हैं. द स्पॉन्सर्ड रिजल्ट और एड्स आर डिनोटेड विद अ ग्रीन एड लेबल एंड द रिजल्ट दैट अपीयर बिलो एड इज अ ग्रीन बॉक्स आर रिफर टू एज अ ऑर्गेनिक रिजल्ट, जो अभी हमने आपको बताया. गूगल ऑल्सो ऑफर डिस्प्ले एड्स विच अपेयर ऑन द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क. द डिस्प्ले नेटवर्क इज अ एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ आउटसाइड थर्ड पार्टी वेबसाइट दैट हैव अ पार्टनर विद अ गूगल एंड अग्रीड टू सर्व अ गूगल एड्स. गूगल एड्स ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क कैन बी टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, रिच मीडिया फॉर्मेट एंड कैन बी टारगेट डिफरेंटली. This include remarketing the banner ads. अब ये क्या होती है Google Display Network? ये third party website है जिस पर Google का agreement होता है और उस पर जा करके लोग अपने ad को display करते हैं, जिसमें आपका text, image, video, rich media format और कुछ भी हो सकता, banner कुछ भी हो सकता है. If you are using AdSense, your ads would appear in a selected area on the वेबसाइट. अगर आप एडसेंस यूज करते हैं तो वो वेबसाइट के किसी सेलेक्टेड एरिया में आएगा जहाँ पे आपने उसको डिस्प्ले कर रखा है थ्रू HTML और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेबसाइट. व्हाई गूगल एड्स अपीयर. अब एड्स अपीयर ही क्यों होता है. द गूगल एड्स ऑप्शन इज फोकस अराउंड कीवर्ड. एडवर्टाइजर चूजेज अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड टू टारगेट दैट आर रेलेवेंट टू द बिजनेस ऑफरिंग. The words that people are most likely to use when searching for their product. Total Google ad का option keyword पर depend करता है और keyword जो वो होते हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग web पे ढूंढते हैं, search करते हैं. They then bid on their keywords और फिर उसके ऊपर bid लगती है, basing each bid on how much they are willing to pay for a Google user to click on their ads. अब वो कस्टमर पर डिपेंड करता है कि वो एड पे कितनी बिड लगाए और कितने बिड पे वो चाहता है कि उसका एड को लोग देखें. दिस बिड कंबाइंड विद द क्वालिटी स्कोर असाइन बाय द गूगल बेस ऑन द क्वालिटी ऑफ योर प्रपोज एड डिटरमाइंड विद द गूगल एड्स अपीयर ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज. व्हेन द यूजर क्लिक द एड द एडवर्टाइजर पेज अ सर्टेन कॉस्ट एंड कॉस्ट पर क्लिक
which is calculated according to the below formula. अब आपको उस एड्स के लिए कुछ गूगल को पे करना पड़ता है और वो कितना पे आप कर पाइएगा वो उसके लिए ऑप्शन लगता है. ऑप्शन में आपको बिड लगानी पड़ती है कि हम भाई 20 पैसा देंगे, 25 पैसा देंगे, 10 पैसा देंगे पर क्लिक का. उस हिसाब से फिर वो क्लिक होने पर एड्स के पैसा आपका रेवेन्यू जनरेट होता है और आप जो गूगल को पे करते हैं उस बेसिस पे आपको पेमेंट मिलता है. आपकी बिड जो होती है कि आप इतने पैसे देंगे वो आपको सेट करनी पड़ती है. अब ये क्लिक पर कॉस्ट पर क्लिक क्या होती है, कॉम्पिटिटर्स एड रैंक अपॉन योर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01. ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू क्लिक पर कॉस्ट पर क्लिक कैलकुलेट किया जाता है. There is where the term pay per click originated. और उसके बाद आपका pay per click originate होता है कि कितने click पर कितना pay करेगा वो. The Google Ad auction. Google Ads work on auction system which take place every time a user perform a keyword search. Auction किस पे लगता है, keyword search पे लगता है. To win the Google Ad auction and see your Google advertisement appear for relevant keyword, you will need to optimize your quality score and bid amount. The higher your quality score is conjunction with your bid amount, the better you add positioning, the following factors affect your quality score. अगर आपकी quality score अच्छी है तो वो optimize होगी और bid amount सही है तो और भी अच्छा है. Higher the quality score in conjunction with your bid amount, the better your ad positioning. तो जितना आपका bid amount रहेगा उस हिसाब से और quality अच्छी होगी उस हिसाब से आपका ad की position होगी. The relevance of the Google ad in search query, कितनी ज़्यादा वो search query में आता है. आपका Google keyword क्या है to your ad group, आपके ad group का keyword क्या है. Relevance of your ad to its landing page, जिस पेज पर ऐड आ रहा है वो उसकी क्या रेलेवेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है. द हिस्टोरिकल क्लिक थ्रू रेट ऑफ एड्स एंड इट्स एड ग्रुप, आपके क्लिक थ्रू रेट क्या है एड्स पे और एड ग्रुप पे. ओवरऑल हिस्टोरिकल अकाउंट परफॉर्मेंस, और आपका पहले का परफॉर्मेंस क्या है उस पर डिपेंड करता है. देयर आर ऑल्सो ओवरऑल बेनिफिट टू हैविंग हाई क्वालिटी स्कोर. Lower cost. Google reward advertise with high quality score by lowering their cost per click, helping improve ROI and higher exposure. Low cost हो और high exposure हो तो आपका benefit ज़्यादा होगा. तो कम पैसा लगाकर अगर आपको ज़्यादा exposure मिलता है, ज़्यादा लोग आपके product को देखते हैं तो आपका इनकम ज़्यादा बनती है. Enable you to get more click and conversion without having to raise your bid. बिना बिड को काम बढ़ाए ही आपको अगर ज़्यादा लोग देखते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है. Google Ad cost. What is the cost of Google Ad? Varies based on the number of factor including the competitiveness of your keyword and industry, your geographic location and quality of your advertising campaign and more. बहुत से फैक्टर्स हैं जिन पे गूगल एड्स डिपेंड करता है उसकी कॉस्ट. कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ योर कीवर्ड, आपके जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसका कीवर्ड का कितना ज़्यादा कंपटीशन है. ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है. क्वालिटी ऑफ योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या है, इस पे डिपेंड करता है. इन द US द एवरेज कॉस्ट पर क्लिक फॉर गूगल सर्च एड्स अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज $2.32. In other countries, average cost for Google Ads are often much lower. US में industries की बहुत अधिक है, 2.32 है, जबकि और countries में इसकी cost कम है. Advertising ties on Google with WordStream. आजकल WordStream के through लोग advertise कर रहे हैं
Could Google Ads be right for your business? Most likely, yes. In 2013, 1.5 million business generated $111 billion in revenue from Google search and advertising too. Advertising on Google can be extremely beneficial for any company with the right strategy. अगर आप सही ढंग से गूगल ऐड को यूज़ करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा. गूगल ऐड हैज़ अ मल्टीट्यूड ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑप्शन एंड कैन बी कॉम्प्लिकेटेड. मैनी एडवर्टाइजर्स स्ट्रगल विद अ कमिटमेंट नेसेसरी टू अचीव सक्सेस थ्रू पेड सर्च और डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग. दैट्स वाई वर्ल्ड स्ट्रीम सॉफ्टवेयर एंड फ्री टूल्स हैव प्रूवन इनवैल्यूएबल टू थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस एडवर्टाइजिंग ऑन गूगल. तो वर्ड स्ट्रीम सॉफ्टवेयर एक ऐसा टूल है जो कि आपको बेनिफिट देता है एडवर्टीजमेंट के लिए. आप उसको यूज कर सकते हैं. अब गूगल एड परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है उसके लिए भी एक टूल आ गया, कंप्लीट फ्री ऑडिट ऑफ योर गूगल एड्स अकाउंट, जो आपके पूरे एड्स के अकाउंट्स को ऑडिट करता है और आपकी परफॉर्मेंस को बताता है, जिसको आप यूज करके आप अपनी परफॉर्मेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. ये ट्राई द वर्ड स्ट्रीम गूगल एड परफॉर्मेंस रेट फॉर फ्री टू, इसको यूज करके आप अपनी परफॉर्मेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल टुडे. इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माय ऑल चैनल्स. Follow my all social media channel and Telegram channel. Follow my all social media link which I have given in the description and Telegram channel. Thank you viewers. This is all. If you like it, please share and subscribe. Thank you. Please subscribe and people never subscribe the video.